हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एमआई का फ़ोन को रीसेट कैसे कर सकते हो। मतलब कि जैसे नया फ़ोन आया हो वैसे ही करना है तो कैसे कर सकते हो। सब कुछ डिलीट हो जाएगा, अपना डेटा गैलरी में कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ डिलीट होने वाला है, सभी एप्लीकेशन भी डिलीट होगी, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। तो आज के वीडियो में मैं रीसेट मार के आपको दिखाऊंगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने सेटिंग के अंदर जाना है। तो यहाँ से हम हमारे सेटिंग के अंदर जाते हैं, उसके बाद देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, तो उसमें से आपको सबसे पहले ये ऑप्शन दिखाई देगा अबाउट फ़ोन। अबाउट फ़ोन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो अबाउट फ़ोन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर भी और सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा आपको बैकअप एंड रीसेट, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर बैकअप एंड रीसेट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आपको फुल रीसेट करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, ये ऑप्शन है, उसमें लास्ट में इरेज ऑल डेटा फैक्टोरियल रीसेट, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देखो ऑल फाइल ऑन द फोन ये सब डिलीट लगेगा, मतलब कि और फाइल डिलीट लगेगी, फॉर्मेट सब कुछ डिलीट लगने वाला है। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर रीसेट फ़ोन के ऊपर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के लिए 6 सेकंड के लिए रुकना होगा, एक बटन दबाओगे तो क्लिक नहीं होगा, तो उसके लिए आपको थोड़ी देर रुकना है। तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है और 10 सेकंड रुकना है। वो आपको बता रहा है आपका जो भी डिवाइस के अंदर डेटा है वो सब कुछ चले जाने वाला है, वो सब आपको बता रहे हैं। तो देखो यहाँ पर भी मैं ओके कर देता हूँ, तो यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। तो देखो ओके के बटन पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ से हमारा फ़ोन रीसेट होने लगेगा। तो फ्रेंड देखो यहाँ से थोड़ी देर लगेगी, उसके बाद ये जैसे ही नया फ़ोन आया था वैसे ही ओपन करना होगा। तो इस फ़ोन को कैसे ओपन कर सकते हैं उसका वीडियो भी देखना हो तो हमारे चैनल में रखा है, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।